नमस्कार आप सभी का मेरे चैनल पर। तो स्वागत करती हूँ मंगल कामना चैनल पर। आज की कहानी है माँ अन्नपूर्णा की कहानी। माँ अन्नपूर्णा अन्न की पूर्ति करने वाली देवी माँ पार्वती का रूप ही माँ अन्नपूर्णा कहलाती है। तो आज की कहानी है माँ अन्नपूर्णा और उनकी एक भक्त तारा की कहानी। जैसे माँ अन्नपूर्णा तारा पर प्रसन्न होती हैं, उसको संकटों से बचाती हैं और उसको षड्यंत्रों से भी बचाती हैं और कैसे उनका साथ देती हैं, तो ये कहानी आपको अवश्य सुननी चाहिए। तो ये कहानी माँ अन्नपूर्णा की कहानी है। जैसा माँ तारा पर प्रसन्न हुई वैसे सब पर हो, इसी के साथ ही हम अपनी कहानी को कहना प्रारंभ करते हैं। एक बहुत पुरानी पहले की बात है, एक प्राचीन नगर में तारा नाम की एक युवती रहती थी। तारा बहुत ही सुंदर थी, सर्वगुण संपन्न, सुंदर, सुशील और गृह कार्य में दक्ष थी। बचपन से ही तारा अपनी माँ को नहा धोकर रसोई घर में खाना बनाने से पहले नमस्कार करती देखती तो तारा के मन में उत्सुकता जागती कि माँ किसको नमस्कार कर रही है, रसोई घर में तो मुझे कोई दिखाई नहीं देता है। तो तारा अपनी मन माँ से पूछती हैं कि माँ तुम यहाँ पर रसोई घर में किसको नमस्कार करती हो, मुझे तो यहाँ पर कोई नहीं दिखाई देता। तो यह सुनकर माँ उसे समझाती है कि यहाँ पर रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है, उन्हीं को नमस्कार करके मैं सारे कार्य प्रारंभ करती हूँ। रसोई घर के सब काम अच्छे बनते हैं, रसोई बहुत अच्छी बनती है, थोड़ी चीज़ों में भी बरकत होती है, सबको पोषण मिलता है। यह बात तारा के मन में बैठ जाती है, वह भी माँ अन्नपूर्णा की भक्त बन जाती है। जब वह थोड़ी बड़ी होती है तो रसोई घर के सारे काम अपनी माँ से सीखने लगती है और माँ की भांति वह भी रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा को नमस्कार करती है। खाना बनाते ही पहले माँ अन्नपूर्णा को भोग लगाती है, उसके बाद सबको खाना देती है, उसकी ये आदत बनी रहती है। समय बीतने पर तारा की शादी हो जाती है। ससुराल आकर देखने पर पता चलता है खूब पैसा धन है, खूब धन दौलत है, पर घर में सुख शांति नहीं है, घर में लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है, बरकत भी नहीं होती है। तारा की पहले से ही दो जेठानियां भी होती हैं जो एक नंबर के कामचोर होती हैं, चालबाज भी होती हैं। दोनों सर्वगुण देवरानी यानी कि तारा की प्रशंसा को सहन नहीं कर पाती, हर समय दोनों तारा को नीचा दिखाने का प्रयास करती हैं। परंतु संस्कारी तारा घर के झगड़े ज़्यादा न बढ़े यह सोचकर उन्हें कुछ भी जवाब नहीं देती है और अपने काम में ही लगी रहती है। खासकर जब ससुराल वाले या फिर कोई बाहर से आए हुए मेहमान तारा के बनाए खाने का प्रशंसा करते हैं तो जेठानियां जल भुन जाती हैं। घर के बाकी काम के लिए तो नौकर चाकर थे, परंतु रसोई घर औरतें ही देखती थी। अब जेठानियों ने तारा के ऊपर सारा काम छोड़ दिया और खुद मजे करती, सोचती कि अब थोड़े दिन तारा से काम करवाया जाए, जब इसकी प्रशंसा होती ही है तो इसको प्रशंसा लेने दिया जाए और हम अब आराम से चैन से बैठेंगे। इस तरह से वो दोनों तारा की कोई भी मदद नहीं करती और ऊपर से उसको नीचा दिखाने का भी प्रयास करती रहती हैं। अब एक दिन दोनों मिलकर एक विचार करती हैं कि तारा पर तो कुछ भी प्रभाव नहीं हो रहा है हमारी बातों का, हमारी तानाकशी का। तो इस प्रकार से वह दोनों एक साजिश करती हैं, षड्यंत्र करती हैं तारा के लिए। अब दोनों बड़ी जेठानियाँ मौका देखने पर सबसे नजरें बचाकर रसोई घर में से कभी सब्जियाँ, कभी घी, कभी दाल, कभी आटा, फल इत्यादि उठाकर बाहर फेंक आती हैं ताकि तारा को डांट पड़े और वह अच्छे से खाना नहीं बनाए। सामग्री का अभाव होगा तो तारा खाना भी अच्छे से नहीं बना पाएगी और जब अच्छे खाना नहीं बना पाएगी तो प्रशंसा और बड़ाई का तो मतलब ही नहीं बनता, ऊपर से उसे डांट लगेगी वो अलग। इस प्रकार से दोनों जेठानियाँ अपने काम पर लग जाती हैं और तारा को नीचा दिखाने के लिए वह यह भी नहीं सोचती कि खाने की सामग्री जो कि माँ अन्नपूर्णा का रूप है उसे भी इस तरह से व्यर्थ करती हैं किसी को नीचा दिखाने के लिए। तो
तो वो दोनों कुछ चीज़ें ऐसे फेंकती रहती हैं बाहर की तरफ ताकि तारा खाना सही से ना बना पाए। यही नहीं, बना बनाए खाने भी दोनों कभी नमक ज़्यादा डाल देती हैं, कभी मिर्च ज़्यादा डाल देती हैं ताकि तारा की सबके सामने अपमान हो सके और वह बड़ाई की जगह अपमान सुनने बैठ जाए। परंतु यह क्या, तारा तो माँ अन्नपूर्णा की भक्त थी। अब वह वही काम करती थी जो वह बचपन से करती आ रही थी, अपनी माँ को भी करती देखती थी। वह प्रतिदिन की तरह अपने कामों के लिए रसोई घर में जाती, माँ अन्नपूर्णा को नमस्कार करती, मन में प्रार्थना करती कि माँ अन्नपूर्णा आप मेरा साथ देना, मैं जो अपने घर के लिए अपने घर के परिजनों के लिए खाना बना रही हूँ उसमें आप वास करना, उसको पोषण देना, सबकी सेहत देना। इस प्रकार से वह खाना बनाती है। अब माँ अन्नपूर्णा भी अपनी परम भक्त की प्रार्थना को स्वीकार करती हैं, परंतु साथ में वे ये कैसे सहन कर लेती कि उनकी परम भक्त तारा के हाथों से भोजन व्यर्थ हो, भोजन बिगड़े और उसका दोष तारा पर लगे। तो माँ अन्नपूर्णा भी अब रोज़ ही चमत्कार दिखाने लग जाती है। जो भी जितना भी सामान होता तारा उन्हीं में से अपना भोजन बनाती, सब घर वालों के लिए भोजन बनाती। तारा इन सब चालों से अनजान थी कि उसकी दोनों जेठानियाँ उसको नीचा दिखाने के लिए घर की सामग्री को व्यर्थ ही बाहर फेंकाती हैं और बने बनाए खाने को भी बिगाड़ती हैं। परंतु माँ अन्नपूर्णा अपने चमत्कार दिखाती हैं, वह थोड़ी सी सामग्री में ही भर पेट भोजन सब घर वालों के लिए बना लेती है और बहुत ही अच्छा खाना बनाती है और किसी को भी भनक भी नहीं लगती कि रसोई घर का सामान इस तरह से गायब हो रहा है। अब भी तारा की रोज़ ही प्रशंसा होती थी। यह देखकर दोनों जेठानियाँ अपना सर खुजाने लगती हैं कि यह हो क्या रहा है, हम तो इतना मेहनत करते हैं, सारा सामान बाहर फेंकते हैं, फिर भी एक ऐसे खाना बना लेती है और ऊपर से इसका खाना स्वादिष्ट भी बनता है जबकि हम उसे बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ते, तो यह हो क्या रहा है। एक दिन दोनों जेठानियाँ कमरे में बैठी बैठी यह बात कर लेती है, तभी तारा उनकी बातें सुन लेती है। वह सब बातें जान जाती हैं तो उसे आभास होता है कि काफ़ी दिन से यह सब षड्यंत्र चल रहा है। परंतु तभी वह सोचती है कि जब इतने दिन से ये सब षड्यंत्र कर रही हैं तो उसका खाना बिगड़ क्यों नहीं रहा। तो वह जान जाती है कि माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद भरा हाथ उसके ऊपर है, तो वह प्रसन्न हो जाती है। अब वह सोचती है जब माँ अन्नपूर्णा उसके साथ है तो उसे अब बातें आगे क्यों बढ़ाना। तो वह आए दिन की तरह अपना रोज का खाना बनाने लग जाती है। उधर माँ अन्नपूर्णा सोचती हैं, अपने भक्त की लाश तो मैंने बचा ली है, परंतु जो ये दोनों औरतें काम करती हैं, जो ये खाने को व्यर्थ करती हैं, खाने की सामग्री बाहर फेंकती हैं, तो इनको भी अब थोड़े मज़े देने ही पड़ेंगे। तो माँ उनको सबक सिखाने का सोच लेती हैं। माँ अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती हैं कि जिस तरह से तुम मेरा खाना व्यर्थ कर रही हो तो तुम्हें वो खाना अब पचेगा ही नहीं, तुम्हें वो हजम ही नहीं होगा। अब एक दिन की बात है, दोनों जेठानियाँ खाना खाने बैठ जाती हैं तो खाना खाते ही उन दोनों को बुरी तरह से उल्टी और दस्त लग जाते हैं, कुछ खा ही नहीं पाती हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। दोनों कमजोरी से और उल्टी दस्त की वजह से बिस्तर पकड़ लेती हैं और बीमार होकर वो पड़ जाती हैं। इस तरह से काफ़ी दिन हो जाते हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, उनके अंदर खाने की चाह होती है, परंतु जैसे ही वह अन्न खाने लगती हैं, कुछ भी भोजन खाती हैं, तो उनको उल्टी और दस्त शुरू हो जाते हैं। इस प्रकार भोजन को सामने देखकर भी बेचारियां दोनों कुछ खा पी नहीं पाती हैं और कमज़ोर दुर्बल होती ही जाती हैं। दोनों जेठानियों ने माता अन्नपूर्णा का अपमान किया था, रसोई घर के सामान सामग्री का अपमान किया था। चाहे अन्न कच्चा हो या पक्का हो, हमें उसे इस तरह से व्यर्थ नहीं करना चाहिए। परंतु अब दोनों जेठानियों ने जो पाप कर दिया है उसकी सजा तो उन्हें भुगतनी ही पड़ेगी। दोनों बेचारी अंदर ही अंदर भूखी रहती हैं, अन्न जल ग्रहण करना चाहती हैं पर कुछ भी खा नहीं पाती, खाती ही उनको उल्टियाँ लग जाती हैं। तभी सब घर वालों को समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है, आखिर
वो दोनों भी वही खाना खा रही हैं जो बाकी के घर वाले खा रहे हैं, परंतु उनको ये सब क्यों हो रहा है और इतनी दवाइयाँ देने के बाद भी, इलाज के बाद भी दोनों ठीक नहीं हो पा रही हैं, तो सारे घर वाले परेशान रहते हैं। उधर एक दिन माँ अन्नपूर्णा तारा के सपने में आती हैं और वो कहती हैं कि हे मेरी भक्त, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे साथ जो तुम्हारे जेठानियों ने बुरा किया है तो उसका ये फल तो उन्हें अवश्य ही भुगतना पड़ेगा। तारा कहती है कि माँ, आपने मेरा साथ दिया, मुझे अपना आशीर्वाद दिया, मेरे खाने से मेरे घर वालों को पोषण मिला, हमारे घर में बरकत होना शुरू हुई है, ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आपका साथ मेरे ऊपर बना हुआ है। पर माँ, आप मेरी जेठानी को अब क्षमा करें, उनकी सजा काफ़ी हो गई है, वो बेचारी दोनों कुछ खा पी नहीं पा रही, तो हम घर वालों को दुख हो रहा है, तो आप कृपा करके उनकी सजा को अब कम कर दीजिए, उनको स्वस्थ कर दीजिए। यह सुनकर माँ अन्नपूर्णा कहती हैं कि हे तारा, अगर वो तुमसे क्षमा याचना कर ले तो मैं भी उनको क्षमा कर दूंगी। इस तरह से सपना समाप्त हो जाता है और तारा अपनी जेठानियों के पास जाती हैं और कहती हैं कि आप लोगों ने मुझे नीचा दिखाने के लिए जो किया वह ठीक था, परंतु आपने अन्न के साथ रसोई घर की सामग्री का इतना अपमान किया है, वो अच्छा नहीं था। माँ अन्नपूर्णा का श्राप आपको लगा है, जो आपकी ये दशा है, तो ये दोनों माँ अन्नपूर्णा का ही रोष है जो आप पर गिर रहा है। दोनों जेठानियाँ अपनी आंखों में आंसू भर लाती हैं और दोनों हाथ जोड़कर तारा के समक्ष खड़ी हो जाती हैं। वह कहती हैं कि तारा, हमें समझ में आ गया है कि ये सब हमारी बुरी हरकतों का ही नतीजा है, जो माँ अन्नपूर्णा ने हमसे हमारा दाना पानी भी छीन लिया है। अब हमें समझ में आ गया है, हम माँ अन्नपूर्णा से क्षमा याचना करते हैं और साथ में तुमसे भी हम क्षमा याचना की भीख मांगते हैं कि तुम हमें क्षमा कर दो, अब हम आगे से ऐसी गलतियां नहीं करेंगे और हम अब आगे से अन्न का सम्मान करेंगे, उसे व्यर्थ नहीं जाने देंगे। यह सुनकर देवी उनको क्षमा करती है, कहती है कि आप मुझसे कुछ भी आपको शिकायत है आप मुझसे कहिए, परंतु आप अन्न का और माँ अन्नपूर्णा का ऐसा अपमान ना करें। तो इस तरह से दोनों जेठानियाँ दिन ब दिन स्वस्थ होती जाती हैं और वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाती हैं, खूब अच्छे से अन्न जल ग्रहण करने लग जाती हैं। इस तरह से माँ अन्नपूर्णा उन पर भी अपना हाथ, आशीर्वाद भरा हाथ बना देती हैं और इस तरह से तीनों बहुएं मिलकर घर में खूब खुशी से रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा को मनाती हैं और माँ अन्नपूर्णा के आशीर्वाद लेकर ही घर की सारा जो खाना होता है वो बनाती हैं। उनका बनाया खाना खाकर घर में सुख शांति छा जाती है, धन के अटूट भंडार हो जाते हैं और घर में कलेश नहीं होता है। तो हे माँ अन्नपूर्णा, जैसा आप अपनी भक्त तारा पर प्रसन्न हुई, उन पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ बनाए रखा, इसी तरह से हम सब गृहणियों के जीवन में हमारे सर पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ बनाए रखें, ताकि हम सब भी अपने परिवार के लिए अच्छा खाना बनाएं, पोषण वाला खाना बनाएं, जिसको खाकर घर में सुख समृद्धि आए, सबको उचित सेहत मिले, सबका स्वास्थ्य उत्तम बना रहे। आप सभी से निवेदन है कि आप भी अपने घर में भोजन को व्यर्थ ना जाने दें, खाना चाहे कच्चा हो या पक्का, आप उसे कभी भी व्यर्थ ना करें, थाली में झूठा ना छोड़ें और माँ अन्नपूर्णा को सदा नमस्कार करके खाना बनाएं, तो कम साधनों में भी आपका खाना अच्छा होगा, घर में सुख शांति आएगी, सबको सेहत और स्वास्थ्य मिलता रहेगा। तो माँ अन्नपूर्णा मेरी सारी बहनों, कहानी सुनने वाली सारी बहनों के ऊपर अपने आशीर्वाद बनाए रखें, क्योंकि हम गृहणियाँ भी माँ अन्नपूर्णा का ही रूप होती हैं। तो माँ अपना आशीर्वाद हम पर सदा बनाए रखे, घर में सुख शांति रखे, सबको सेहत दे, इसी कामना के साथ मैं कहानी को समाप्त करती हूँ। अगर कहानी अच्छी लगी है तो आप इसे शेयर जरूर करना ना भूलें और अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो कहानी सुनने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ अन्नपूर्णा।